Assalamu alaikum, my dear students. Today we'll be discussing guttation. Guttation kya hai? You know, transpiration is the water loss in the form of vapors from the aerial parts of the plants, especially leaves. But in case of guttation, it's also the loss of water. Isme bhi water loss hota hai, jis tarah transpiration mein water loss hota hai. Lekin jab water loss hoga plants se in the form of gas, in the form of water vapors, that's what we call as transpiration. When water loss occurs in the form of liquid droplets, this water loss in the form of liquid droplets, this is what we call as guttation. तो आपने देखा होगा जो plants होते हैं छोटे छोटे plants, herbs what we call, रात को आप देखते हो dew पड़ती है, you know, शबनम उसको हम बोलते हैं, शबनम गिरता है. शबनम असल में गिरता नहीं ऊपर से, शबनम निकलता है, ये release होता है plant के leaves से. तो उसी के बारे में आप देखेंगे, वही गटेशन है. गटेशन होगा इसमें शबनम निकलना प्लांट से. शबनम गिरता नहीं है, शबनम पड़ता नहीं, शबनम निकलता है इन छोटे छोटे प्लांट से, और वी कॉल्ड हर्ब्स. तो इसके बारे में आज तस्किरा करेंगे. तो गटेशन में हम क्या लिख सकते हैं, गटेशन बिल्कुल ट्रांसपिरेशन की तरह है, लेकिन ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस होता है वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में. इन केस ऑफ गटेशन दिस वाटर लॉस ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स. तो हम क्या लिख सकते हैं गटेशन को, गटेशन में हम लिख सकते हैं पहला पॉइंट. अब अंडरलाइन करो गटेशन हमारा कॉन्सेप्ट. तो पहला पॉइंट हम इसमें लिखेंगे, मेरे साथ लिखो आप, लिखो लॉस ऑफ वाटर एज लिक्विड ड्रॉपलेट्स. लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स. लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स. लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स from leaf margin, from leaf margin, leaf margin. मैं इसको लिख सकता हूं oblique, when ending is guttation. इसी को हम बोलते हैं ना guttation, is guttation. समझाऊंगा आपको ये है क्या. हमारे पास leaf है, for example ये हमारे पास leaf है, ऐसे लीफ हमारे पास. लीफ का स्टॉक जो होता है इसको हम बोलते हैं पीटीओल. लीफ का स्टॉक मॉर्फोलॉजी में आप देखेंगे, लीफ का जो स्टॉक होता है इट्स कॉल्ड पीटीओल. इसके बाद पीटीओल के बाद दिस इज लीफ, एक्चुअल लीफ, लीफ लैमिना जिसको हम बोलते हैं लीफ ब्लेड. इसके अंदर पीटीओल जाता है, पीटीओल इसके अंदर घुस गया, इसको हम नाम बोलते हैं मिडरिब. आगे देखेंगे इसके बारे में. मिडरिब से उठते हैं ब्रांचेस, मिडरिब से उठते हैं ब्रांचेस, they are called veins. फिर वेन से भी ब्रांच उठते हैं, they are called veinlets. ये हमें मॉर्फोलॉजी में पढ़ना है, आधे बेसिस को हमने पढ़ा है ऑलरेडी. तो ये क्या है, this is petiole, this is midrib, midrib ये वाला, ये है veins है ना, ये veins है. तो vein यहाँ पे end होती है, कहाँ पे end होती है, बिल्कुल leaf margin पे. leaf की जो boundary होती है इसको हम बोलते हैं leaf margin, लीफ मार्जिन. ओके, लीफ मार्जिन पे वेन होते हैं एंड. तो वेन के ही थ्रू रात को या अर्ली इन द मॉर्निंग लॉस होता है वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स. तो यहां पे होता है मौजूद, ऐसे लिक्विड ड्रॉप है यहां पे मौजूद वेन के एंड पे, वेन के एंड से यहां लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप ऐसे. दिस वाटर लॉस, दिस लॉस ऑफ वाटर इज लिक्विड ड्रॉपलेट्स फ्रॉम लीफ मार्जिन. लीफ मार्जिन से हो गया ना, ये ना लीफ मार्जिन से, लीफ मार्जिन से होगा. ओब्लिक वेन एंडिंग, जहां पे वेन एंड होती है, वेन तो एंड होते हैं लीफ मार्जिन पे ही. दिस लिक्विड ड्रॉपलेट लॉस फ्रॉम द लीफ मार्जिन और वी से अदरवाइज वेन एंडिंग, दिस इज व्हाट वी कॉल एज गटेशन. गटेशन हो गया वाटर का लॉस लीफ के मार्जिन से, लेकिन लिक्विड ड्रॉप के शक्ल में, लिक्विड फॉर्म में. अगर ये वेपर शक्ल में होगा देन वी कैन कॉल इट ट्रांसपिरेशन, लेकिन लिक्विड ड्रॉप्स के फॉर्म में होना लॉस वाटर, दिस इज what we call as guttation. तो guttation जो यहाँ पे pore होता है, एक opening होती है, जिस तरह water loss होता है transpiration में pores के through, they are called stomata. इसी तरह guttation होता है pores के through, यहाँ पे pores होते हैं, leaf के margin पे होते हैं छोटे-छोटे pores. These pores are called hydathodes. मैं आपके लिए कुछ लिख सकता हूँ, लिखो ऐसे. guttation ऐसे लिख सकते हैं हम. guttation मेरे साथ लिखो दूसरा पॉइंट. guttation occurs through, किनके through? guttation occurs through उन पोर्स का क्या नाम है? guttation occurs through
एच वाई डी ए टी एच ओ डी एस हाइडाथोर्स गटेशन आकोर्स थो हाइडाथोर्स उबली करके हम लिख सकते क्या वाटर स्टोमेटा स्टोमेटा ही है लेकिन दे रिलीज वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स ओके हाँ गटेशन आकोर्स थो पोज व्हाट वी कॉल एज हाइडाथोर्स और वाटर स्टोमेटा इनका जो है इनका एक फीचर है स्टोमेटा नॉर्मली ओपन होता है दिन को और रात को क्लोज या वैसे वर्षा भी हो सकता है कुछ प्लांट्स में जो आप फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे कैम प्लांट्स में होता है अमीन सर आपको पढ़ा रहे वो तो उसके बारे में आप जानेंगे आगे तो नॉर्मली स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज डे एंड नाइट बट ये हाइडाथोर होता है दे ऑलवेज रिमेन ओपन ये कभी क्लोज होते नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं गटेशन आकोर्स थ्रू हाइडाथोर्स ओब्लिक वाटर स्टोमेटा कामा करके विच अनलाइक स्टोमेटा इसी के साथ विच अनलाइक स्टोमेटा विच अनलाइक स्टोमेटा विच जो स्टोमेटा की तरह है ही नहीं विच अनलाइक स्टोमेटा रिमेन ऑलवेज ओपन रिमेन ऑलवेज ओपन विच अनलाइक स्टोमेटा रिमेन ऑलवेज ओपन Which unlike stomata remain always open. Gutation जो pores के through होती है, pores का नाम है water stomata और the other was called as hydrothores. इनका feature है stomata के थोड़ा contradict है ये. The stomata normally open and close during day and night. And we have these hydrothores, what we call water stomata. They always remain open. They never close. Okay. और स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है नॉर्मली वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स यानी व्हाट वी से वाटर वेपर्स वाटर वेपर होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर उसमें कोई डिसॉल्वड गैस आई मीन डिसॉल्वड सब्सटेंसेस डिसॉल्वड सॉल्यूट्स डिसॉल्वड सुगर्स होते नहीं है लेकिन जो वाटर निकलता है गटेशन में क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में निकलता है इसके साथ सॉल्यूट्स सुगर्स इम्यूनो एसिड्स व्हाटएवर ये सारे डिसॉल्वड फॉर्म में होते हैं इसका मतलब हो गया द वाटर लॉस्ट इन व्हाट वी कॉल द Transpiration is pure because it is the vapor form. But water lost in gutation is impure. Means it contains dissolved substance. हम लिख सकते हैं एक और point. देखो, water lost in gutation is impure. काम करके impure का मतलब यहाँ क्या है? Impure का मतलब यहाँ पे it contains dissolved substance, it contains sugars, solutes, these minerals and whatever. Water lost in gutation is impure as it contains dissolved substances. इसमें sugars होते हैं, solutes होते हैं, dissolved form में मौजूद. तो हमने क्या जाना अब तक जवाब व्हाट इज गटेशन गटेशन हो गया कश्मीरी में हम बोल सकते शबनम प्लांट से निकलना शबनम निकलने को हम बोलते ना गटेशन शबनम पड़ता नहीं है शबनम निकलता है प्लांट से ओके तो गटेशन क्या है इट्स अ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द लीफ मार्जिन और वेन एंडिंग दिस प्रोसेस इज व्हाट वी कॉल एज गटेशन ओके ये गटेशन होते हैं पोर्स के थ्रू उन पोर्स को क्या नाम देते हैं इट ऑफ दो हाइडाथोर्स अदरवाइज कॉल्ड वाटर स्टोमेटा ये नॉर्मल स्टोमेटा से थोड़ा डिफरेंट है इन द सेंस दैट दे ऑलवेज रिमेन ओपन ये क्लोज के भी नहीं होते नॉर्मली स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज ओके वाटर लॉस इन गटेशन इट्स इम्प्योर अनलाइक दैट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो कि उसमें प्योर वाटर निकलता है इन फॉर्म ऑफ गैस यहाँ पे वाटर निकलता है इन फॉर्म लिक्विड बट इट इज इम्प्योर एंड इट्स कंटेनर्स डिसॉल्वड सब्सटेंसेस हाँ आगे चलते हैं तो जो गटेशन है इसके पीछे कौन सा ड्राइविंग फोर्स होता है किस वजह से गटेशन होता है ओके इसके बारे में तस्करा हो गया हाँ देख लीजिए गटेशन में जो प्रेशर होता है कौन सा ड्राइविंग फोर्स होता है इस गटेशन के लिए मतलब किस चीज की वजह से गटेशन होती है इसके पीछे अगर आपको याद होगा मैंने पढ़ा था आपको रूट प्रेशर थ्योरी एसेंट ऑफ सेल वहां पे बोला था एक्सुडेशन एंड गटेशन दे बोथ प्रोसेसेस ऑपरेट ड्यू टू रूट प्रेशर ओके देखो इट ऑकर्स गटेशन ऑकर्स ड्यू टू रूट प्रेशर इट ऑकर्स ड्यू टू
रूट प्रेशर, ये रूट प्रेशर की वजह से होते हैं. मींस रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ गटेशन. रूट प्रेशर कब होता है डेवलप, मैंने आपको बोला था अगर आपको याद होगा. रूट प्रेशर नॉर्मली होता है रात को डेवलप और अर्ली मॉर्निंग. तो गटेशन कब होगी, रात को या अर्ली मॉर्निंग, बिकॉज रूट प्रेशर इज वेरी हाई ड्यूरिंग नाइट और अर्ली मॉर्निंग. लाइकवाइज रूट प्रेशर की वजह से गटेशन होती है, क्योंकि नीचे रूट प्रेशर क्या हो गया, जब वाटर घुस जाता है सॉइल से रूट के जैलम में, तो वो रश के थ्रू ना फोर्स के थ्रू प्रेशर के थ्रू जो इसमें दाखिल होता है, वो प्रेशर जो रूट के जैलम में डेवलप होता है जब एंट्री होती है वाटर की उसमें, दैट्स कॉल्ड रूट प्रेशर. वो वाटर को थोड़ा लिफ्ट करता है प्रोड्यूस विद रिजल्ट वाटर राइज होता है इस जैलम के अंदर. तो वही जो रूट प्रेशर है उसी की वजह से वाटर लॉस होता है रात को हाइडा थ्रोट्स के थ्रू, बट वी कॉल्ड गटेशन. मीन्स इट ऑकर ड्यू टू रूट प्रेशर. तो गटेशन कब होगी और किन प्लांट्स में होगी, गटेशन विल ऑकर इन दोस प्लांट्स वेयर रूट प्रेशर इज प्रेजेंट. रूट प्रेशर ऑकर्स ओनली इन स्मॉल हर्बेशियस प्लांट्स. ट्री से रूट प्रेशर होता नहीं है, जिम्नोस्पर्म में रूट प्रेशर होता नहीं है. वहां पे एसेंट ऑफ सैप कौन कराता है, दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी हमने बोला था. तो यहां पे क्या है, रूट प्रेशर छोटे प्लांट्स में हर्ब्स में डेवलप होता है रात को होता है डेवलप. तो गटेशन भी इन्हीं प्लांट्स में होगी जहां रूट प्रेशर होगा. तो हमारा अगला स्टेटमेंट क्या होगा शबाश, गटेशन ऑकर्स ओनली इन इनमें स्मॉल हर्बेशियस प्लांट्स. हर्बेशियस प्लांट्स मतलब छोटे ग्रासेस, ओके, हर्बेशियस हर्ब्स, हर्बेशियस प्लांट्स. Gutation occurs only in small herbaceous plants. कब? कब होती है? At night. रात होती है. Oblique early morning. Early morning को हम बोलते हैं dawn भी. D-A-W-N. Dawn means early morning. Early morning. जिस तरह शाम के थोड़ा वक्त को हम बोलते हैं, जो ही शाम स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं dusk. इस तरह early morning is called as dawn. Anyway. Gutation occurs only in small herbaceous plants at night. It occurs during night. Okay. Or early morning, we say dawn. Okay. So this is a root pressure theory. I mean, root pressure responsible for gutation. And this gutation occurs only in those plants where root pressure is present. And it occurs during night. Okay. So, gutation mein kya hai? Yahan pe ek diagram aapke liye banaunga main. Ek diagram banaunga leaf ki. आपको थोड़ा समझ आ जाएगा. देखो लीफ का एक पार्ट बनाऊंगा मैं यहाँ पे. मान लीजिए ये एपिडर्मिस है, लीफ का कवर, लीफ एपिडर्मिस, ओके, लीफ एपिडर्मिस. तो यहाँ पे एपिडर्मिस पे ही है ये गार्ड सेल्स, दो गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स बराबर होते स्टोमेटा में. लेकिन ये क्या है, हाइड्राथोड. इट्स हाइड्राथोड मींस दिस स्टोमेटा विल ऑलवेज रिमेन ओपन, ये क्लोज कभी नहीं होगा, ये हाइड्राथोड है, इसमें दो गार्ड सेल्स है, हमेशा ओपन रहेगा. तो इसके नीचे क्या होगा, ये है लीफ मार्जिन. इसके नीचे क्या होगा, वेन. हाँ, इसके नीचे वेन होगी. एक मिनट ये मैं बनाऊंगा, ये आप इमेजिन कीजिए, दिस इज वेन, इनकी जैलम है, ये जैलम है, इसमें वेन है, ये वेन, वेन में जैलम होता है. यहां से वाटर आ रहा है पीटी होल से, मान लीजिए ऐसे इसमें जा रहा है, और इस हाइड्राथोड के नीचे होता है एक मास ऑफ सेल्स, लूजली अरेंज्ड मास ऑफ सेल्स. ये क्या है, दिस इज जाइलम. ये क्या असली है, ये वेन है, इसमें वेन एंडिंग, वेन, इसके थ्रू वाटर आता है. ओके, तो यहां पे लॉस होता है, लीक होता है, पहले जाता है टिश्यू में, एक ग्रुप ऑफ लूजली अरेंज्ड सेल्स होते हैं हाइड्राथोड के बिल्कुल नीचे. दिस ग्रुप ऑफ लूजली अरेंज्ड सेल्स प्रेजेंट बिलो हाइड्राथोड. It is called as epithelium. E-P-I-T-H-I-U-M. Epithelium. Epithelium, what is epithelium? Epithelium is a group of loosely arranged cells present below hydrothor. Water loss directly नहीं होता hydrothor. पहले किसमें जाता है? पहले ये जो vein है या xylem, water loss किसमें करता है? ये छोड़ता है water को, liquid droplets को epithelium में. Epithelium से release होता है बाहर. ठीक है? तो hydrothor क्या है? Pore through which gutation occurs. What's epithelium? Epithelium is a mass of a group of loosely arranged cells present below hydrothor. Okay, this is all about gutation. So, gutation हो गया खत्म. एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बोलूँ. एक और चीज़ है यहाँ. देख लीजिए. तो आप अंडरलाइन करो. It's called exudation.
exudation, exudation, I can put it otherwise, called bleeding. Okay, exudation or bleeding, एक और टर्म है एक्सुडेशन भी बोला था आपको रूट प्रेशर में गटेशन मुझे बोलो ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस की नेचुरल प्रोसेस है आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा हूं गटेशन एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है ये हम मतलब इंड्यूस कराते हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स और इट्स ए नेचुरल प्रोसेस ऑफ कोर्स नेचर इन द प्लांट्स यस इट्स ए नेचुरल प्रोसेस क्या रात को खुद ब खुद होता है इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं है गटेशन एक नेचुरल प्रोसेस है ये नेचुरली होता है रूट प्रेशर की वजह से रूट प्रेशर भी नेचर डेवलप होता है स्मॉल हर्बेशियस प्लांट्स में ये रूट प्रेशर डेवलप होता है तो स्मॉल हर्बेशियस प्लांट्स में गटेशन होता है नॉर्मली अब एक्सुडेशन ऑफ ब्लीडिंग ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है इट इज यू नो इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस है हमारे पास मान लीजिए एक ट्री है हमारे पास एक ट्री है यहाँ इसके ब्रांचेस है इसके लीव्स है व्हाटएवर ओके हम क्या करेंगे इस प्लांट को इस ट्री को सॉइल के नजदीक ही यहां पे हम इसको इंजरी देंगे विल कट इट जो हमने इंजरी दी तो यहां पे क्या हो जाएगा यहां से वाटर लॉस हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स निकल जाएंगे यहां से लिक्विड लेकिन कब निकल जाएगा नेचुरली तो नहीं निकलता है ना नेचुरली तो ट्रांसपिरेशन होती है ट्रीज में नेचुरली तो छोटे प्लांट्स में गटेशन होती है लेकिन हम इसको क्या हम प्लांट को इंजर करते हैं कहीं पे हम कट देते हैं कहीं पे कट लगने के बाद वहां से अगर इफ लिक्विड ऊजेस आउट अगर बाहर लिक्विड निकल जाएगा इट विल ऊज आउट दिस लॉस ऑफ लिक्विड फ्रॉम अ ट्री whenever it is injured this loss of liquid from the injured parts of plants is called exudation or bleeding bleeding ek artificial process exudation ek artificial process gutation ek natural process hai bleeding mein bhi water loss hota hai in the form of liquid drops liquid droplets aur gutation mein bhi hota hai lekin farak kya hai dono processes they operate due to root pressure dono ke piche root pressure driving force hai लेकिन एक्सुडेशन इज आर्टिफिशियली परफॉर्मड इट्स यू नो इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन है लेकिन गटेशन जो इट इज अ नेचुरल प्रोसेस ओके तो हम क्या लिख सकते हैं गटेशन इस एक्सुडेशन में व्हाट्स इट एक्सुडेशन देखो एक्सुडेशन मेरे साथ ही लॉस ऑफ वाटर एज लिक्विड ड्रॉप्स लॉस ऑफ वाटर एज लिक्विड ड्रॉप्स ड्रॉपलेट्स नो प्रॉब्लम क्योंकि ड्रॉपलेट्स फ्रॉम कहां से नॉट हैड अ सोर्स बट इंजर्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट जहां इंजरी की है प्लांट को फ्रॉम इंजर्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट फ्रॉम इंजर्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट इज व्हाट वी कॉल एज एक्सुडेशन शाबाश लॉस ऑफ वाटर एज लिक्विड ड्रॉपलेट्स फ्रॉम इंजर्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड गटेशन From injured parts of plant is called gutation, is called exudation or bleeding. Is called exudation or bleeding. Now this bleeding it also occurs due to root pressure. देखिए मेरे साथ ही. It also occurs due to root pressure. In the process of exudation or bleeding, it is also driven by root pressure. Okay. मैं आपको एक example दूँ. Rubber tree जो हमारे पास है. रबर ट्री को हम इंजरी देते हैं जी हमने रबर ट्री को इंजरी दी तो वहां से निकलता है वो सफेद जूस सफेद लिक्विड उसको हम बोलते हैं नाम लेटेक्स रबर ट्री से आता है ये रबर हमारे पास होता है ना रबर नो वी हैव ही वी ब्रेजिलियंस उसका नाम है ट्री का जिस तरह हमारे पास पॉपुलस है फ्रस है विलो है वृक्ष आसा स्निश इधर बच्चो वी हैव ए ट्री व्हाट वी कॉल्ड एज रबर ट्री ही वी ब्रेजिलियंस साइंटिफिक नेम है आगे देखेंगे वो तो उसको अगर हम इंजरी देंगे वहां से सफेद रस निकलता है सफेद जूस जो है इट ऊजेस आउट तो उसको हम बोलते हैं ना लेटेक्स सफेद जूस को इसको फिर सॉलिडिफाई किया जाता है वल्केनाइजेशन एक प्रोसेसिंग की जाती है इस रबर को अल्टीमेटली रबर बनता है रबर प्लांट प्रोडक्ट है ये प्लांट से निकलता है तो इंजरी देनी पड़ती है ट्री को इसके बाद वो लिक्विड ऊजेस आउट एंड इट अंडरगो द प्रोसेसिंग एंड ऑल दैट व्हाटएवर तो इसके बाद हम रबर इस्तेमाल करते हैं हाँ बाय द वे जो नेचुरल रबर होता है असली नेचुरल उसका कलर होता है व्हाइट लेकिन हमारे पास जो गाड़ी के टायर होते हैं वो ब्लैक क्यों होते हैं फिर नेचुरल कलर जो है इस रबर का रबर ट्री से जब वो रस निकलता है वो सफेद होता है व्हाइट होता है
लेकिन हमारे पास क्यों होते हैं गाड़ी के टायर, वो भी रबर है ना, वही रबर है, वो क्यों ब्लैक होता है? क्योंकि अगर हम नेचुरल रबर लाएंगे, उसको वल्केनाइजेशन नॉर्मली प्रोसेस जो है उसका वाइट ही रखेंगे हम, दो चार दिनों में वाटर आपको ये तब्दील करना पड़ेगा गाड़ी का टायर, इसमें कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं रहेगी फिर। इसीलिए जो प्रोसेसिंग की जाती है रबर की, इस वाइट लेटेक्स के साथ मिलाया जाता है एक चीज, इसका तार, तार एक चीज है जो मिला के केमिकल है, ये मिलाया जाता है इस नेचुरल रबर के साथ। तार का कलर है ब्लैक, जो ये सफेद लेटेक्स के साथ रबर के साथ मिलाया जाता है, इसका कलर चेंज होता है, ये तार अपना कलर इसको देता है ब्लैक कलर। विद रिजल्ट इस तार की वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज होती है, इसलिए आपको 3-4 साल के बाद गाड़ी का टायर चेंज करना पड़ता है। अगर आप नेचुरल रखेंगे नेचुरल रबर, व्हाइट होगा उसका कलर, तो 2-4 दिनों के अंदर आपको तब्दील करना पड़ेगा वो। विद रिजल्ट वी एड तार, तार एड करते हैं इसके साथ, तार एक केमिकल है जो ऐड किया जाता है लेटेक्स ऑफ रबर को, विद रिजल्ट इसका कलर चेंज होता है और इसकी ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज होती है। ओके, तो लेटेक्स इज ऑब्टेन्ड, या रबर ट्री से हम जो रबर निकालते हैं, इट्स ऑब्टेन्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सुडेशन। इवन वी हैव नो पॉपी, पॉपी जो हमारे पास है, पपाया, ये वर्ड वी कॉल इट पपावर, पपावर पॉपी, खशखाश, उसको भी हम इंजरी देते हैं ना ऐसे, इसको भी हम इंजर करते हैं और वहां से वो निकलता है वो उसका लेटेक्स, वो जो कि उसमें बहुत ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू है उसका, वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर इसने बहुत ज्यादा जाने बचाई, पेन रिलीवर है, पेन किलर है, इट हैज दैट वैल्यू। एनीवे इसे मॉर्फिन और स्मैक, हेरोइन, व्हाटएवर, दैट इज आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम दिस लेटेक्स ऑफ पॉपी, पपाया, पपाया। ओके, दिस इज एजुडेशन और ब्लीडिंग। अब आपको क्या लगता है, अब ये जो ये ट्रांसपिरेशन है, हमें ट्रांसपिरेशन पढ़ा, गटेशन भी पढ़ा, व्हाटएवर, अब ट्रांसपिरेशन का कोई फायदा है, किसके नुकसान ही है, लेट्स डिस्कस। अब अंडरलाइन करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। पहले अगर हम लिखेंगे, चलो इसकी मेरिट लिखेंगे, मेरिट हो गया एडवांटेज, मेरिट हो गया एडवांटेज, इसकी मेरिट क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, पहला एडवांटेज क्या है इसका, नंबर वन लिखिए हम, बोलो आप ही, ट्रांसपिरेशन क्या सबसे एडवांटेज है। ट्रांसपिरेशन जब होती है तो ट्रांसपिरेशन पुल होता है जनरेट, जो ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट हो जाएगा तभी तो एसेंट आपसे पॉसिबल है, रूट से जा सकता है शूट तक, 100 मीटर टॉल ट्री होगा, रूट से जाता है शूट तक वाटर, एसेंट आपसे, इट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल। जब ट्रांसपिरेशन हो जाएगी तभी तो ट्रांसपिरेशन पुल पॉसिबल है। इसका मतलब ट्रांसपिरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो एडवांटेज है हमारे, दैट इज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सेब। हाँ, हम देखिए पहला एडवांटेज का, रेस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सेब, रेस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सेब। बोलो दूसरा, दूसरा एडवांटेज क्या है इसका, दूसरा एडवांटेज है हमारा इसका, दैट इज जो ही ट्रांसपिरेशन हो जाती है, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन की वजह से प्लांट क्या करता है, रिलीज वाटर वेपर, तो वाटर वेपर में क्या होते हैं, हीट होती है ना उसमें, तो वो हीट को भी अपने साथ ही ले जाता है, तो प्लांट को क्या मिलेगा, जो ही वाटर वेपर लॉस हो जाएगा प्लांट से, तो प्लांट को क्या मिलेगा, कूलिंग इफेक्ट। वही हम लिखेंगे, ट्रांसपिरेशन गिव्स प्लांट्स कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट, आपको समझ आ जाएगा कैसे, दैट इज अगर आप समर्स में बहुत ज्यादा धूप है बाहर, आप रहेंगे शेडो के अंदर, मतलब छाया होगा कहीं, आप रहेंगे ट्री के शेड के, ट्री के छाये के अंदर आप रहेंगे, और आप रहेंगे बिल्डिंग का छत है, छत के छाये के नीचे, आपको कूलनेस कहां पे फील होगी, अंडर ट्री, शेडो ऑफ ट्री इज कूलर देन द शेडो ऑफ रूफ ऑफ बिल्डिंग। व्हाई, because plants undergo process of transpiration, it gives them the cooling effect, that's why shadow, agar aap dekhenge chhaya hai na, chhaya chhaya, agar to chhaya andar bhi ho, kulistan bhi ho, yahan bhi ho, jinab building ya kahin pe deewar hai, kahin pe deewar hai, tin ka deewar hai, uske piche aap baithenge ya bhi tree ke andar, aapko zyada thandi kahan mahsoos hoti hai, ट्री के शेडो के अंदर, क्यों, क्योंकि प्लांट का था ट्रांसफर, वो वाटर लॉस का था वेपर के फॉर्म में, वो प्लांट को देता है कूलिंग इफेक्ट, दैट्स व्हाई शेडो ऑफ ट्री इज कूलर देन शेडो ऑफ रूफ ऑफ बिल्डिंग। व्हाई, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन प्रोवाइड्स प्लांट्स द कूलिंग इफेक्ट। वही मैंने लिखा, ट्रांसपिरेशन गिव्स प्लांट्स कूलिंग इफेक्ट, दैट इज शेडो,
shadow of tree. That is, shadow of tree is cooler than shadow of roof of building, or double F, roof of building, roof of छत, roof of building, okay? और transpiration का किसमें role है? जो plant cell water loss करती है, फिर छोड़ती है, loss करना, absorb करना, touch. Plant cells maintain their turgidity. Plant cell swell होती है, swell होने के बाद water loss करते heat की वजह से, फिर से water absorb करते. This all turgidity and all that, it is due to transpiration. हम लिख सकते हैं प्लांट सेल्स मेंटेन टर्जिडिटी, टर्जिडिटी सेल्स वेरी, प्लांट सेल्स मेंटेन टर्जिडिटी ड्यू टू ट्रांसपिरेशन. तीन एडवांटेजेस मैंने यहां पे डिस्कस किए ट्रांसपिरेशन के. एडवांटेज नंबर वन इज दिस ट्रांसपिरेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सेल, दैट्स मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू शूट. It also gives plants a cooling effect. That's why we have the shadow of trees cooler than shadow of roof building. Okay. And plant cells get turgidity. They maintain their cell shape and all that is due to their process of transpiration. Now, what are the disadvantages? Meritus, इसके बाद हम देखते हैं. Demerits. इसकी क्या disadvantages है? क्या इसमें shortcomings है? Flaws, what we call. इसमें क्या flaws है? इसमें क्या demerits है? इसमें क्या डिमेरिट्स है, डिसएडवांटेज, लिमिटेशन है, व्हाटएवर. तो पहला डिसएडवांटेज अगर हम देखेंगे, प्लांट जो भी वाटर लॉस करता है, कितना करता है वाटर लॉस तकरीबन 98-99% मींस व्हाटएवर प्लांट अब्सॉर्ब्स इज अल्टीमेटली फाइनली लॉस्ट. इसका मतलब क्या है, हम देख सकते हैं ना ऐसे, प्लांट्स लूज बाउ 98-99% absorbed water. Plant जितना water absorb करता है, almost नहीं loss भी करता है. ये तो सबसे बड़ा disadvantage. इसे क्या आपको लग रहा है? ये कहाँ का disadvantage है? Plant जो water absorb करता है, बहुत efforts लगाने पड़ते हैं. Efforts मतलब बहुत energy इसमें invest होती है. बहुत ये complicated process है, आसान नहीं है water को, minerals को absorb करना. Ultimately क्या होता है? तो जितना भी वाटर इसने एब्जॉर्ब किया, इतने एफर्ट्स लगा के, इतने एनर्जी इन्वेस्ट करके एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो अल्टीमेटली 98-90% ये वाटर लॉस करता है. मींस इसके डिसएडवांटेज कहां से बन गया? डिसएडवांटेज बन गया कि इतनी ज्यादा एनर्जी जो इसने इन्वेस्ट की है उसको ये अल्टीमेटली लॉस करता है, वो एनर्जी होगी जाया. लेकिन अगर ये वाटर लॉस नहीं करेगा, ट्रांसपिरेशन पूल भी जनरेट नहीं होगा, ये एसिड ऑब्सॉर्ब भी नहीं कर सकता है, कूलिंग इफेक्ट भी नहीं, प्लांट को खतरा, फिर मतलब survival will be at the stake, one would say. तो हम क्या बोल सकते हैं? First disadvantage क्या? Plants lose about 98-99% absorbed water through transpiration. That means very huge amount of invested energy is ultimately lost, we say. और दूसरा इसका disadvantage is transpiration का क्या हो सकता है? ये तो सबसे बड़ा है. What we call दूसरा advantage, that will be your homework. क्या दूसरा advantage हो सकता है? आप सबके लिए question. What will be the another decision? ये मैंने खुद बोला है, plants lose about 98-99% absorbed water. दूसरा homework आपके लिए, आप थोड़ा सोचेंगे इस बारे में कि दूसरा advantage क्या हो सकता है transfer, disadvantage, flaw, what we call, okay, limitation. कौन सा दूसरा drawback हो सकता है transpiration का? That will be a homework to you. And this is all about transpiration. Inshallah, अगले lecture में हम देखेंगे, we'll discuss some new chapter. Okay? Thank you so much.